हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स प्रोफेसर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल और क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑर्डर, डिग्री, इन सब की मैं तमाम वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूं। और आज हम करने जा रहे हैं लास्ट सॉल्यूशन यानी लास्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, ऑर्डर वन का केवल अभी तक आपको ऑर्डर वन ही करना है, चाहे होमोजीनियस हो चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो। बट लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ऑर्डर वन का ही करना है, 2, 3, 4, 5 का है नहीं। आप आगे जाके हायर क्लास में मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तब उसमें ऑर्डर टू का भी पढ़ोगे, जिसमें आप ऑक्सिलरी सॉल्यूशन निकालोगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन निकालोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करोगे। आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा है 11th क्लास में, फिजिक्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे अगर उनको मैं बताऊं तो आप लोगों ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी होगी वो वेव्स एंड ऑसिलेशन में डैम्प्ड और अनडैम्प्ड मोशन में पढ़ा होगा, जहां पे उस तरीके की इक्वेशन आ जाती है m into d2y upon dt2 करके समथिंग कर कुछ करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो तीसरा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता तो एक बार फटाफट मैं फटाफट रीकैप करा देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एक तरह से इक्वेशन ही होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह से ये वो इक्वेशन है जिसमें आप क्या कहते हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। इट इज अ सिंपल इक्वेशन बट हैविंग द डेरिवेटिव एज अ लाइक अ डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ये यूज किए जाते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं फटाफट कि व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है ये और इस पे बेस सवाल। तो बच्चों, पहले तो मैं बात करता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इसकी दो फॉर्म है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म है। पहली तो ये है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। एक काम करते हैं, p को हम px लिख देते हैं और q को हम qx लिख देते हैं। एक तो बच्चों ये फॉर्म है और दूसरी फॉर्म जो है इसकी वो है dx by dy प्लस pyx इक्वल टू qy। देखिए बच्चों, अगर ऊपर y है तो यहां y होगा, अगर ऊपर x है तो यहां x होगा, अगर dy अपॉन dx हो तो यहां पे y होगा और dx अपॉन dy हो तो यहां पे x होगा। और इस केस में p x का फंक्शन है और q x का फंक्शन है, यहाँ पे p y का फंक्शन होगा और यहाँ पे q भी y का फंक्शन होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं बच्चों तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लूंगा मैं, dy upon dx plus में x square into में y equal to sin x। और अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो बच्चों मैं ऐसे लूंगा dx by dy plus में y square into में x is equal to sin y। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे ये dx upon dy है और इसमें एक लीनियर है, केवल एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या y होगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा लेकिन वो लीनियर वेरिएबल होना चाहिए बच्चों, उसकी पावर 2 या 3, 4, 5 नहीं होनी चाहिए और बाकी सारा आपका दूसरा वेरिएबल होगा। तो एक तरह से इस तरीके का जो इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म है बच्चों, इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है और इसके ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसे हम क्या बोले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसी बच्चों ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे y क्या है लीनियर टर्म आ गया, तो इसलिए हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके अंदर निकालते हैं पहले इंटीग्रल फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर, यानी कि इफ इफ निकाला जाता है इसके अंदर या d फैक्टर निकाला जाता है। तो इफ इसके अंदर आप निकालते हो, इफ क्या होता है एक्सपोनेंशियल p dx इंटीग्रेशन होता है, ये याद रखना बच्चों, एक्सपोनेंशियल पे भी इंटीग्रेट है फिर p dx है, p यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, तो y इंटू में इफ इक्वल टू यानी q इंटू में इफ और इंटू dx प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब इस वाले केस में भी इफ कैसे निकलेगा बच्चों, इंटीग्रल जो फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स करके निकालोगे आप, सॉरी वाई, इसमें क्या निकालोगे पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है वाई का फंक्शन है और क्यू भी यहाँ पे वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे इफ फंक्शन ऐसे आएगा और जनरल सोल्यूशन बच्चों इसके ही हो जाएगा, यानी एक्स इंटू में इफ इक्वल टू क्यू इंटू में इफ इंटू में dy प्लस c, ठीक है बच्चों।
तो ये दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बस ये फॉर्म पहचाननी है, उसके अकॉर्डिंग इफ निकालना है। और इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है, एकदम सिंपल, हलवा है हलवा एकदम। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि समझ तो वहीं से आता है, यहां से क्या सर, थ्योरी तो ऐसी सर के ऊपर से जाता है। कोई बात नहीं बच्चों, सवाल करते हैं फटाफट, और जल्दी जल्दी से 12 क्वेश्चन है इसके अंदर और निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.6, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर है, होमोजीनस है, या वेरिएबल सेपरेबल वाला कुछ हो रहा है कि नहीं इसके अंदर, बेटा ये जरूर देखना है पहले। तो भाई dy by dx निकाल, सबसे अच्छा तरीका, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इक्वेशन कौन सी है, ये ही तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ये समझ आ जाए तो सवाल ही हो जाए, बट उसके बाद भटक जाते हैं यार, होमोजेनस में क्या करना था यार, वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना था, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ होता है क्या, ये इफ क्या है, अरे इफ इफ क्या कर रहा है रे, यदि बोल रहा है क्या मैंने, हाँ ना भाई, यदि ना बोल रहा, बेटा पहले तो आपको ये देखना है कि इक्वेशन कौन सी है भाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये कौन सा है भाई, वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड है या होमोजीनस है। होमोजीनस का आपको मैंने ऑलरेडी तरीका बता चुका था कैसे आपको देखना है, वेरिएबल सेपरेबल भी हमने बताया बताया आपको कैसे देखना है, और अब जो मेथड है तीसरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी तो चेक करना पड़ेगा भाई, 9.6 है तो हो सकता है डेफिनेटली सारे क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, बेटा एग्जाम में तो नहीं आएगा ना कि ये 9.6 से क्वेश्चन है, ये 9.5 से, 9.4 से है, आपको तो वहां देखना पड़ेगा ना कि कैसे करना है। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको पहले चेक करना है कि भाई कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज है, ठीक है, उन पे कॉन्फिट बैठता है कि नहीं। अब जैसे कि देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, क्या हमें देखना कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं, भाई यहाँ पे तो कोई भी चांस नहीं दिखा, वेरिएबल आप सेपरेट कर दो कि भाई साइन एक्स को एक तरफ कर दो, मतलब एक्स की टर्म एक तरफ कर दो पूरी, और वाई की पूरी एक तरफ कर दो टर्म, इट इज नॉट पॉसिबल भाई, डी और डीएक्स और डीवाई मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ध्यान रखना वो भी ऊपर होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा चेक करो कि होमोजेनस है कि नहीं, भाई डिग्री ऑफ ईच टर्म, यानी डीवाई बाई डीएक्स को छोड़ के हर एक टर्म की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भाई, हर एक टर्म की जो डिग्री है, यानी वेरिएबल डिग्री में, इसलिए बच्चों बोलता हूँ कि सपोज वो एक सिंगल पॉलिनोमियल है, वो हर एक टर्म को मैंने छोटे छोटे सब पॉलिनोमियल बोल दिया है, और हर पॉलिनोमियल की जो सिंगल टर्म में जो पॉलिनोमियल है, जो हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है, उसकी टोटल पावर क्या है वेरिएबल की, इसलिए मैं डिग्री बार बार यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है भाई, नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री किसकी डिफाइन होती है, डिग्री बेटा ओनली पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफाइन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं होती, तभी तो हम बताते थे ना साइन डी वाई अपॉन डी एक्स है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, केवल ऑर्डर हर बार डिफाइन हो जाता है, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो बच्चों यहाँ पे तो यानी कि एक तरह से ये डिग्री में ही बराबर नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, अभी तीसरा बचा कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो कैसे है, उसके आपके पास कॉन्सेप्ट मैंने ही बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स, दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो इस फॉर्म की होती है और एक डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म की होती है, भाई डी वाई बाई डी एक्स साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ये वाई भी दिख रहा है, ये क्यू हो गया, बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब निकाल लो इफ फैक्टर, यानी इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पी इंटू में डीएक्स, फॉर्मूला रखते जाओ सॉल्व करते जाओ, तो एक्सपोनेंशियल पी, पी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, भाई पी किसके बराबर है, कंपेयर कर लो इससे, पी तो 2 हो गया, सो 2 इंटू में डीएक्स, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये 2x हो जाएगा भाई, इफ फैक्टर हो गया एक्सपोनेंशियल 2x। अब क्या करोगे, फॉर्म जनरल सॉल्यूशन लिख दो, इफ इनटू में y इक्वल टू इफ इनटू में q इनटू में dx + c, यही तो फार्मूला है हमारे पास पूरा, है ना, यही तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फार्मूला है, इफ की जगह आप पुट कर दो एक्सपोनेंशियल 2x इनटू y इक्वल टू अगेन एक्सपोनेंशियल 2x, और q की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन x प्लस सी, और इंटू डी एक्स कर देना और प्लस में सी। अब बच्चों इंटीग्रेट करना है,
अब ऐसा सवाल आप करते आ रहे हो, है ना, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें। देखो ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है। लेट सपोज ये हो गया फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं पहला, यानी और यहां पे आई लेट कर लेते हैं पहले एक्सपोनेंशियल 2x साइन एक्स dx, इसको मैंने आई लेट कर लिया, इसको बेटा इंटीग्रेट अलग से करके दिखाना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं इसका। तो क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे आई लेट का मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। आई लेट आपको बखूबी याद होगा, इनवर्स लॉग एलजेब्रा ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। तो भाई जो पहले फंक्शन आ रहा है उसको आप पहला प्रायोरिटी दोगे, उसे फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, जैसे साइन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ना, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी साइन एक्स की। तो यानी कि आपको फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला मेथड बच्चों, क्या था, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला था इफ यू रिमेंबर। तो बच्चों चलो पुट कर देते इस फॉर्मूले को, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, ये बाहर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन माइनस में साइन एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे। चलो आगे करते रहो, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x और बट्टे में 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बट्टे में 2, क्योंकि भाई एक्स का कोफिशियंट 2 है इसलिए बट्टे में 2 आ जाएगा। माइनस में साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स होता है, फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x बटा 2 dx और प्लस सी लगा देना कुछ भी, ठीक है ना बच्चों, सी लगा देना, वैसे सी तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है, तो वो ए सी वाला हो जाएगा और कुछ नहीं, दो सी जोड़ोगे तो एक ही सी तो बनेगा, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट जोड़ो सी आ जाता है। तो बच्चों ये आई के बराबर है, टू से सबको इंटू कर दो, छोड़ो बाद में करेंगे इंटू, पहले कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन एक्स एक्सपोनेंशियल 2x बटा 2 माइनस 1 बटा 2 एक्सपोनेंशियल 2x cos x dx plus c, थोड़ा रीअरेंज कर लिया। अब बच्चों दोबारा इसमें आपको आई लेट यूज करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, यानी sin x एक्सपोनेंशियल 2x बटे में 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 2x cos x का इंटीग्रेशन, उल्टा कर दिया ना बच्चों, हो उल्टा हो गया भाई, cos x पहले आएगा एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन माइनस में cos का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी, यही तो होगा बच्चों। तो बराबर करते रहो भाई, sin x एक्सपोनेंशियल 2x बटा 2 1 बाई 2, ठीक है cos एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x बटा 2 हो जाएगा बच्चों, है ना, माइनस कॉस का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x बटे में 2 और इंटू डी एक्स प्लस सी, ये साइन नेगेटिव है दोनों तो प्लस हो जाएगा बच्चों। आगे करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, इसके लिए देख लो एक बार पूरा का पूरा कैसे क्या किया है मैंने, बस अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने क्या किया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस फॉर्म का है, इफ फैक्टर निकाल दिया, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स, पी यहाँ पे 2 है और इसका इंटीग्रेट किया एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा, इफ इंटू वाई इफ एक्स इफ क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा बच्चे, जनरल सोल्यूशन है, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसको मैं बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूं एंड टू बी कंटिन्यू। आगे देखिए, चलिए अब ये भाई हमें ये निकालना है, हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, अभी तो फिलहाल हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। तो बच्चों i इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या था साइन एक्स एक्सपोनेंशियल 2x बटा 2 माइनस 2 दुना 4 हो गया 1 बटा 4 cos x एक्सपोनेंशियल 2 माइनस 1 और यहाँ पे बच्चों 2 है ना, 2 दुनी यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा 4 एक्सपोनेंशियल 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होगा, देखो मैंने सॉल्व किया है 1 बाई 2 को अंदर इंटू कर दिया है, 1 बाई 2 इंटू 2 1 बाई 4 हो गया, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ये भी 1 बाई 4 हो गया, यहाँ माइनस तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, ये बच्चों किसके बराबर है i के बराबर है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स एक्सपोनेंशियल 2 अपॉन 2 1 अपॉन 4
कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल टू माइनस वन बाई फोर आई और प्लस सी। आई वाली टर्म एक तरफ, आई बाई फोर प्लस आई बच्चों क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन फोर आई इक्वल टू साइन एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स माइनस कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स। बच्चों चार एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, चार और दो का एलसीएम चार, और यहाँ दो आ जाएगा, चार से चार बच्चों कट जाएगा, प्लस सी भी है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चार से इन फोर बाई फाइव से इंटू कर दे रहा हूँ। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, दो बट्टा पांच साइन एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स माइनस कोस एक्स एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस में फोर अपॉन फाइव सी। फाइव बाई फोर है वहां क्रॉस इंटू कर दो फोर बाई फाइव से सभी को, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और ये टू बाई फाइव तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन फाइव भी आ जाएगा। तो यानी वन बाई फाइव एक्सपोनेंशियल टू एक्स कॉमन आ गया बच्चों, तो अंदर क्या रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट को आप कॉन्स्टेंट ही लिख दो, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास आई, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये है बच्चों। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा, ये तो बहुत लंबा हो गया भाई सवाल, कोई बात नहीं, एक्सपोनेंशियल टू एक्स वाई इक्वल टू, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आया है बच्चों वो ये आया है, यानी वन बाई फाइव एक्सपोनेंशियल टू एक्स साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस सी। देखिए सारे एक्सपोनेंशियल कट जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू वन बाई फाइव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल टू एक्स। हाँ तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाई माइनस में चला जाएगा, डिवाइड में आएगा ना, सबको एक्सपोनेंशियल टू एक्स डिवाइड कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन कितना छोटा है, सॉल्यूशन कितना लंबा है, डर गए क्या पहले क्वेश्चन से, वैसे इससे पहले वाले से इजी लग रहा है, इतना टफ तो नहीं है। हाँ भाई इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, बाकी तो सेवन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, अब आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा और ये भी नहीं सीखना चाहते तो भाई पेपर ही मत देने जाना। तो इंटीग्रेशन सीखो अच्छे से, बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन सीखना, और डिफरेंशिएशन बहुत बहुत जरूरी है सीखना। अगर दोनों चीज नहीं सीख पाओगे तो क्या फायदा, इनकी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे या आगे की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों फिर। तो इसलिए इंटीग्रेशन में फोकस करो। कहते हैं बहुत सारे कहते हैं कि हमने इंटीग्रेशन छोड़ दिया बाकी कर लिया, भाई बाकी क्या कर लिया, जब इंटीग्रेशन नहीं आया तो आपने ये कैसे कर लिया, हाँ बिना इंटीग्रेशन के ये हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। खैर ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म की है, फॉर्म लिख लो चाहो आपको बहुत इजी हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रल फैक्टर एक्सपोनेंशियल पी इंटू में डीएक्स, तो एक्सपोनेंशियल पी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तीन आ जाएगा, थ्री एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, सॉरी थ्री डी एक्स, तो एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन है बच्चों, इफ इंटू में वाई इक्वल टू इफ इंटू में क्यू इंटू में डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स इंटू में वाई, एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स इंटू में क्यू की जगह तो बच्चों आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लो इसको आप, भाई माइनस माइनस प्लस दोनों की पावर सेम है ना, तो पावर सेम, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर ज्यादा करना है तो भाई एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स से डिवाइड कर दो, जब इसको डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा सी एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री एक्स, जब डिवाइड करोगे एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स तो एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पी इंटू में डी एक्स हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल पी की जगह आ जाएगा बच्चों वन बाई एक्स इंटू में डी एक्स, और वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल, तो इफ आ गया एक्स के बराबर। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इफ इनटू में वाई
इक्वल टू इफ इफ इंटू क्यू इंटू में डीएक्स, और इफ की जगह आ जाएगा एक्स इंटू में वाई, इफ की जगह बच्चों आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इंटू में डीएक्स। क्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो ये बच्चों हो गया एक्स क्यूब इंटू में डीएक्स, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस में सी, तो एक्स इंटू में वाई क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस में सी। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से, और इनका सोल्यूशन ऐसे भाई एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, 100 के मतलब 100% यहां से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों लोग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में sec x इंटू में y, sec x इंटू y इक्वल टू tan x है। देखिए अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की, dy upon dx plus p into में y equal to q, है ना, यही तो भाई इसी फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे निकाल लो इंटीग्रल फैक्टर बच्चों, क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल p into में dx, एक्सपोनेंशियल p की जगह क्या आ जाएगा बच्चों sec x आ जाएगा, और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है log log sec x plus tan x होता है बच्चवा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है इसका, e से log cancel, तो क्या आ गया sec x plus tan x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास if factor, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर, यदि फैक्टर आ गया है अब क्या करना है जनरल सॉल्यूशन, यदि इनटू में y इक्वल टू यदि इनटू में q इनटू में dx plus c, c छोड़ो बाद में लगाएंगे, ठीक है हम इंटीग्रेशन करने के बाद लगाएंगे वैसे। चलिए अब यदि इंटू में वाई क्या हो गया बच्चा, यदि इंटू में वाई वाई यदि इंटू में वाई यदि कितना आ रहा है sec x plus tan x, तो यानी कि sec x plus tan x और इंटू में वाई यदि इंटू में क्यू, क्यू हमारे पास tan x है, है ना, क्यों क्यों हमारे पास tan x है, तो sec x इंटू में sec x plus में tan x और इंटू में tan x dx, कर दीजिए बचवा इसका इंटीग्रेशन, tan x को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sec x इंटू में tan x प्लस में tan स्क्वायर x इंटू में dx। तो बच्चों sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली sec x, बट tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, एक काम करते हैं इसको लास्ट में करेंगे इंटीग्रेशन सब कुछ, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं sec x इंटू tan x, tan स्क्वायर को आप क्या लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस में 1 और इंटू में dx, यही तो होगा ना बच्चों, tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan को आप पहले sec में चेंज करोगे, यानी जो आपको फॉर्मूला याद है जो फॉर्मूला हमें इसके गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्मूले उन्हीं की फॉर्म में पहले आप लेके आओगे, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे। चलिए आगे इंटीग्रेट कर दो, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा n प्लस में c। बच्चों यही आपका क्या है आंसर है, यानी कि थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं sec x plus में tan x into y equal to sec x plus में tan x minus में x और plus में c, that is the general solution। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए बच्चे कई बार ना ऐसे क्वेश्चन देखे घबरा जाते हैं, अरे क्या करें क्या करें क्या करें क्या होगा आगे क्या करना है, बच्चों घबराना नहीं, देखो ऊपर वाई यहाँ सिंगल वाई बाकी एक्स, तो सिंपल सी बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों इतना घबरा रहे हो, अब बस क्या करना है कॉस स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दो, क्या करोगे सबको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आओ, तो वाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan x by cos square x हो जाएगा, so dy upon में dx 1 by cos क्या होता है बच्चों sec square x हो जाएगा into में y is equal to tan x into में sec square x हो जाएगा, यही तो होगा बच्चों। अब आप देख सकते हो भाई लीनियर टर्म है पूरी की पूरी, so dy upon dx plus py equal to q इस फॉर्म का ये। अब निकालो यदि फैक्टर, यदि फैक्टर क्या होगा एक्सपोनेंशियल p into में dx
और पी यहाँ पे बच्चों क्या है sec स्क्वायर एक्स। तो यदि फैक्टर जो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई tan x होता है, क्या होता है tan x होता है। तो हमारे पास जो यदि फैक्टर है वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल tan x, है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे पुट कर दो, क्या करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि फैक्टर इनटू वाई इक्वल टू, यदि फैक्टर इनटू में क्यों इनटू में dx, है ना। तो यदि फैक्टर हमारे पास कितना आ रहा है एक्सपोनेंशियल tan x आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल tan x इनटू में y इक्वल टू, और यदि फैक्टर अगेन एक्सपोनेंशियल tan x, और क्यों हमारे पास क्या है tan x, tan x इनटू में sec स्क्वायर x है, है ना। यही तो हो गया बच्चों। अब देखिए अब क्या करें इसके अंदर, अब क्या करना चाहिए भाई, कोई रास्ता ना दिखे तो क्या करना है, सोचो दिमाग लगाओ। दो फंक्शन है, एक ट्रिगो और एक एक्सपोनेंशियल है, कहीं ना कहीं बाईपार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है कहीं ना कहीं बाईपार्ट हो सकता है, तो लगा दीजिए भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन भी तो हो रहा है, अगर हम tan x को डिफरेंशिएट करें तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, आएगा कि नहीं बच्चों। तो पुट कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाओगे भाई, बेस मेथड है, बताया था सब्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक मेथड ऑफ ऑल, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने का सबसे बेस मेथड है ये। तो क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा ये, तो यानी कि हो जाएगा एक्सपोनेंशियल tan x y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, ये भी t हो जाएगा बच्चों, ये चला गया dt में। अब यहाँ पे बाई पार्ट यूज कर लो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, आई लेट का मेथड लगाओगे बच्चों। एक बार फॉर्मूला और लिखना पड़ेगा लगता है मुझे, है ना, आप लोग तो याद करोगे नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड पूरे का इंटीग्रेशन। तो बच्चे कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एलजेब्रा टी एलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो आई लेट के अनुसार, आई लेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल एंड में आता है और एलजेब्रा पहले आता है ना, तो एलजेब्रा पहले हो गया। टी एज इट इज एक्सपोनेंशियल टी का इंटीग्रेशन माइनस में t का डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल t का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, यहां प्लस c आ जाएगा बच्चों। t एज इट इज इस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल रहता है, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल t इंटू में dt प्लस में c, t इंटू एक्सपोनेंशियल t का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल t और प्लस में c। t की वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो tan x से, तो ये हो जाएगा tan x एक्सपोनेंशियल tan x माइनस एक्सपोनेंशियल tan x प्लस c। और बच्चे किसके बराबर है हम देख रहे हैं, किसके बराबर है, ये है एक्सपोनेंशियल tan x इंटू में y के बराबर। सारे एक्सपोनेंशियल tan x कट जाएंगे, यानी डिवाइड कर दो हर एक टर्म को एक्सपोनेंशियल tan x से, तो जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल tan x हर एक को डिवाइड करोगे तो y क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 और प्लस c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस tan x, ये हमारे पास y यानी जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स, x इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, क्या करेंगे सबसे पहले हम x से डिवाइड कर देते सभी को, सबसे पहले क्या करेंगे हम x से डिवाइड करेंगे, टू इंटू में टू बाई एक्स इंटू में y इजिकल टू एक्स इंटू में लॉग एक्स, यहाँ पे x से डिवाइड किया x खत्म, यहाँ पे टू बाई एक्स हो गया, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो एक x ऊपर वाला कट जाएगा एक x रह जाएगा। अब बच्चों देखिए ये किस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy upon dx py equal to q इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो यदि फैक्टर हो जाएगा बच्चों एक्सपोनेंशियल p इंटू में dx के बराबर हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल p यहाँ पे 2 upon x है, 2 upon x इंटू में dx, और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log x होता है, एक्सपोनेंशियल log क्या हो जाएगा x square हो जाएगा, ये कट गया बच्चों क्या आ गया x square आ गया। तो यदि फैक्टर तो हो गया x स्क्वायर के बराबर, अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यदि फैक्टर इनटू में y इक्वल टू यदि फैक्टर इनटू में q इनटू में dx, यही तो होगा बच्चों लोग। तो यार
चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। इफ यानी जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो आज लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ यानी कि इफ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इफ की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इंटू में वाई इक्वल टू इफ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इफ की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू में कहा एक्स स्क्वायर, ये रहा ना। और यहाँ पे जो आप देखोगे क्यू बेटा, ये है क्यू, इसके अंदर क्यू निकालना है, ये क्यू होगा हमारे पास, है ना, ये क्यू है। तो यहाँ पे एक्स इंटू में log x dx हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x क्यूब और इंटू में log x dx, यहाँ पे लगा दो by part integration, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो by part, first function log हो जाएगा, second function x cube हो जाएगा, because of I let के अनुसार log पहले आता है, algebra तीसरे नंबर पे आता है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, log x बाहर, x क्यूब का इंटीग्रेशन, log का डेरिवेटिव, ठीक है, और x क्यूब का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे log x इंटू में इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4, और यहाँ पे log का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4 इंटू में dx हो जाएगा, इज इक्वल टू log x इंटू में x की पावर 4 बाई 4 माइनस में एक एक्स एक्स कट जाएगा, x क्यूब बाई 4 इंटू dx हो जाएगा बच्चों। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको बच्चों, तो यहाँ पे जो x क्यूब है इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4, 4 4 से 16 हो जाएगा बच्चों, प्लस सी, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4, और नीचे भी 4 है तो 4 4 से 16 हो जाएगा। अब आप क्या क्या करना है, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो बच्चा, 16 एलसीएम यानी x की पावर 4 बाई 16 कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉमन आ रहा है, 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 log x हो जाएगा ये, और माइनस 1 हो जाएगा, एंड प्लस में सी। देखो जरा 16 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 log x हो जाएगा और माइनस में 1, क्योंकि x की पावर 4 तो बाहर आ चुका है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन बच्चों, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम x log x से सबको डिवाइड कर दो, क्या करोगे, सभी को x log x से डिवाइड कर दोगे, तो 1 अपॉन x इंटू में log x इंटू में y इक्वल टू 2 बाई x इंटू में log x बाई x log x। देखो यहाँ पे log से log कट जाएगा बच्चों, थोड़ा और सॉल्व कर लो, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू में log x y इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और एक इस फॉर्म का है, dy अपॉन dx प्लस p इंटू में y इक्वल टू q, इस फॉर्म का है। तो यहाँ पे यदि फैक्टर निकाल लो, यानी इफ निकाल लो, इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल p इंटू में dx, तो एक्सपोनेंशियल p की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में x इंटू में log x आ जाएगा dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखिए यहाँ पे log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x होता है, और ये दे रखा है, तो log फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव है, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लोगे, पुट कर लोगे log x को t, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल यानी कि t 1 अपॉन t इंटू में dt, इसकी जगह t आ गया, dx by x की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा बच्चों। और 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 by t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t ही हो जाएगा, है ना, और एक्सपोनेंशियल से log कट जाएगा बच्चों, t आ गया हमारे पास, किसके बराबर हो गया, t के बराबर, और t हमने क्या लेट किया था, log x लेट किया था। तो भाई इंटीग्रल जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, log x ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log x, जनरल सॉल्यूशन, यानी इफ फैक्टर इंटू में y इक्वल टू इफ फैक्टर इंटू में क्यों, इंटू में dx, ठीक है। तो इफ हमारे पास कितना है बच्चों, log x है और इंटू में y, इफ फैक्टर log x हो जाएगा और इंटू में q, q की जगह आ जाएगा 2 by x square, क्या आ जाएगा 2 by x square into dx, लगा लो by part से इंटीग्रेशन इसका, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना बच्चों, तो ऐसे कुछ हो जाएगा ये। चलो फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा log x इंटू में इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई x हो जाएगा बच्चों,
और माइनस में लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू में डीएक्स, तो यह आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस में माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया और ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, प्लस सी भी लगा लो वैसे तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स प्लस में सी, माइनस 2 बाई एक्स प्लस में सी। तो यही हमारे पास क्या है बच्चों फाइनल आंसर है, देखिए ठीक है ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो माइनस 2 बाई एक्स को मैं निकाल के आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई प्लस 2 एक्स वाई इंटू में डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू में डी एक्स। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पहली बात तो 90% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, बताऊंगा क्यों। पहला क्वेश्चन है जो ट्रेंड चेंज करके आ रहा है हमारे पास। देखो इसमें क्या है, आप देखो केवल मतलब यहाँ पे आप देखो ये काफी कॉम्प्लेक्स टर्म होगी यहाँ पे ये, और ये पूछा भी गया कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए यहाँ पे वाई ये है और यहाँ पे डी वाई है, तो क्या करना है आपको सभी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, है तो वही सब कुछ। सो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी बच्चों आपको, पहले आप है ना dx की टर्म एक तरफ करोगे, यहां पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको dx की टर्म यहां पे एक तरफ करनी पड़ेगी बच्चों, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2x वाई इंटू में dx, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। आपको यहां से पहले dy बाई dx निकालना है, वरना आप एक काम और कर सकते हो, इसको छोड़ो, आप इसको ऐसे करो सबको dx से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू कॉट एक्स, सबको मैंने dx से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों सभी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा प्लस में 2 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू cot x by 1 plus x square, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो आप देखोगे ये एक तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म की, dy upon dx plus p into y equal to q, इस फॉर्म की हो जाएगी। अब यहाँ पे जो if फैक्टर है इंटीग्रल फैक्टर वो निकाल लो, एक्सपोनेंशियल 2x by 1 plus में x square into में dx, यहाँ पे इसको पुट कर दो, 1 plus x square को t, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल dt अपॉन में t हो जाएगा, 1 बाई t का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे log t हो जाएगा, ये कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो if फैक्टर है इंटीग्रल फैक्टर वो t आ जाएगा, और t की जगह आप क्या करोगे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस x स्क्वायर को। चलिए ये आ गया हमारे पास if आ गया है ना, अब क्या निकालना जनरल सॉल्यूशन, if इनटू में y इक्वल टू इफ इंटू में क्यू और इंटू में डी एक्स, यही तो होगा, इफ की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, इफ की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्यू, हमारे पास क्या है कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, तो ये एक तो कट गया बच्चों, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, लॉग cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है, क्या होता है log sin x और प्लस में c, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों जनरल सॉल्यूशन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
ये कैसे चेक करोगे? होमोजीनियस तो कहीं से भी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे टोटल पावर टू हो जा रही है और इस सब में वन वन आ रही है। तो क्या करेंगे, पहले देखो जो भी यहाँ पे पहले एक्स से डिवाइड कर दो सभी को, सभी को पहले क्या करोगे एक्स से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा ये वाई अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू में कॉट एक्स इक्वल टू जीरो, सबको एक्स से डिवाइड कर दो। बच्चों इसका कोफिशियंट हमेशा वन होना चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स अकेला इंडिपेंडेंट रखना है इसको, इसके एक्स वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए इसके साथ। अब देखिए ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में, है ना, dy अपॉन में dx प्लस में यहां से y कॉमन आ जा रहा है, तो अंदर बचा 1 अपॉन x प्लस cot x ऐसे करके आ रहा है और बराबर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अगेन ही हमारे पास इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे जो इफ फैक्टर होगा इंटीग्रल फैक्टर वो एक्सपोनेंशियल p इंटू dx हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल पी किसके बराबर है, 1 बाई एक्स इंटू में कॉट एक्स के बराबर है, सॉरी प्लस में 1 बाई एक्स प्लस में कॉट एक्स के बराबर है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है भाई, लॉग एक्स होता है। कॉट का इंटीग्रेशन भी आपको पता है क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी यानी लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। ये कट गया बच्चों दोनों, तो यहां पे जो इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा। यहां पे इंटीग्रल फैक्टर एक्स साइन एक्स के बराबर आ जाएगा बच्चों। अब यहां पे आप निकालो जनरल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल फैक्टर इंटू में वाई इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और इंटू में डी एक्स। सो इंटीग्रल फैक्टर तो हमारे पास है एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में वाई और इंटीग्रल फैक्टर है एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू की जगह आ जाएगा ओनली वन। और अब हमें क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है, किससे, बाय पार्ट से। देखो एक एलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो एलजेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। आई लेट ए टी ई ए के बाद टी आर है, एलजेब्रा एन टी ट्रिग्नोमेट्री, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में सी लगा दो, तो एक्स इंटू में साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस में सी। गलत कर दिया ना कुछ मैंने, बिल्कुल, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस का इंटीग्रेशन भी नेगेटिव साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये माइनस और इसका इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन आएगा वो प्लस हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे माइनस कॉस होता है ध्यान रखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। और ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है हमारे पास एक्स एक्स साइन एक्स इंटू में वाई। आप चाहो तो यहां से और सॉल्व कर सकते हो और वाई निकाल सकते हो, क्या करना है एक्स साइन एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस में साइन एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस में सी इंटू में एक्स साइन एक्स की पावर माइनस वन। बेटा ये साइन से साइन कैंसिल, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, कॉस बाई साइन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन सी इंटू में एक्स इंटू में साइन एक्स की पावर माइनस वन, ये आंसर है। तो ये मोस्ट वेलकम है, वरना ये भी आंसर आपका सही है बिल्कुल एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा, एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन है, क्या करेंगे हम पहले यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए ये सवाल ऐसा है ना, ठीक है, यहां पे आप एक काम करो एक्स प्लस वाई ऊपर रहने दो और इसको डी एक्स अपॉन डी वाई कर दो। ये सवाल ऐसा है जो बच्चा हमेशा गड़बड़ करता है इसके अंदर, इसको यहां पे माइनस वाई करके सॉल्व कर किया जाता है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता है, फिर उसका सवाल ही नहीं बनता है भाई। ये एक्चुअली में डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्म है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए, जो ऊपर वेरिएबल है एक्स वही होना चाहिए बच्चों। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, एक्स वहां जाके माइनस हो गया। तो बेटा जो इंटी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म का है, पी इंटू में एक्स इज इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू क्या है यहाँ पे वाई का फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पी इंटू में डी वाई होगा, डी एक्स नहीं होगा, डी वाई लगाना है ध्यान रखना। तो एक्सपोनेंशियल पी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन इंटू में डी एक्स और माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स वाई सॉरी वाई है यहाँ पे बच्चों, मैं भी गड़बड़ा कर,
पी की जगह आप पुट कर दो बेटा माइनस वन इंटू में डी वाई, और माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वाई, माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है, हमारे पास क्या था इंटीग्रल फैक्टर इंटू में एक्स, क्योंकि वाई की फॉर्म में बेटा ये इस फॉर्म वाला इंटीग्रेशन है, ऊपर एक्स आ रहा है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए है ना, तो इंटीग्रल फैक्टर इंटू में क्यू फैक्टर इंटू में डी वाई ऐसे होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सॉरी इंटीग्रेट करना है, और इफ फैक्टर हमारे पास कितना है एक्सपोनेंशियल माइनस वाई है बच्चों, इंटू में एक्स इक्वल टू इफ की जगह आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, ठीक है, और इंटू में क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों ओनली वाई आ जाएगा, और इंटू में डी वाई। अब इसको आप बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ये, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और प्लस में सी, तो ये क्या आ जाएगा वाई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, वाई का कोफिशिएंट माइनस वन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है, और माइनस में वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव बच्चों वन हो जाएगा, देखो यहाँ पे सब कुछ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई वाई लिखना है ओके, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस वाई, माइनस वन नीचे आ जाएगा बच्चों, तो माइनस और माइनस प्लस इंटू में डी वाई प्लस सी, फर्दर सॉल्व कर लो वाई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई प्लस, यानी माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस वाई प्लस सी हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो वाई की जगह क्या लिख के आ जाते हैं एक्स लिख के आ जाते हैं, और उसी की वजह से इनके पूरे मार्क्स कट जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब एक्सपोनेंशियल माइनस वाई से डिवाइड कर दो तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा, तो माइनस वाई ठीक है, और माइनस में वन प्लस सी इंटू में एक्सपोनेंशियल वाई, देखो आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो जब सी के नीचे डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है जनरल सोल्यूशन है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 है, y इंटू में dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में dy वाई इक्वल टू जीरो। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम इसमें dy वाई बाई डी एक्स निकाल लेते, देखो वैसे तो यहाँ पे देखे सिंगल x रह रहा है बाकी y है, तो भाई dx अपॉन dy के फॉर्म का तो इंटीग्रेशन है ये, तो यानी आप यहाँ से पहले निकालो dx अपॉन में dy, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन में dy, यानी माइनस x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y, कुछ ऐसे होगा बच्चों ये चेक कर लो चाहो तो, और थोड़ा और सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स बाई वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बाई, यानी टर्म सेपरेट कर दो एक्स बाई वाई और वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज वाई हो जाएगा, और ये हो गया डीएक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे डीएक्स बाई डी वाई प्लस में एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा वाई के बराबर हो जाएगा। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस फॉर्म का है बच्चों डीएक्स अपॉन डी वाई प्लस p इंटू में x इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का है, p और q क्या है y का फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन y इंटू में dy, एक्सपोनेंशियल यानी कि 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा बच्चों, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो इफ फैक्टर आ गया हमारे पास ओनली y। अब क्या करना है जनरल सोल्यूशन निकालना है, और जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इफ फैक्टर इंटू में x इक्वल टू इफ फैक्टर इंटू में y सॉरी इंटू में q इंटू में dy, है ना, इफ हमारे पास y है तो इसकी जगह y की जगह आ गया इफ की जगह आ गया y और इंटू में x y हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा इफ की जगह, और q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों q की जगह यहाँ पे y आ जाएगा इंटू में dy, और y इंटू y क्या हो गया y स्क्वायर इंटू में dy, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों y क्यूब बाई थ्री और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए 12th क्वेश्चन बच्चों, x प्लस में 3y स्क्वायर इंटू में dy अपॉन में dx इक्वल टू y दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करें देखो यहाँ पे 2y दे रखा है और एक x है, तो भाई x की फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे आप एक काम करो x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू dx बाई dy ऐसे इसको लिख लो, और y से डिवाइड करोगे तो बच्चे x अपॉन y प्लस 3y आ जाएगा बराबर dx by dy, यानी dx अपॉन में dy माइनस x अपॉन y क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन वाई इंटू में डीवाई हो जाएगा बच्चों, यानी इफ फैक्टर पी इंटू डीवाई हो जाएगा ना। ये किस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो गया, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म का है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यानी जो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा वो एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन वाई इंटू डीवाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग वाई हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। और ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग वाई की पावर माइनस वन, लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल तो वन अपॉन वाई आ गया। ये हो गया आपका इफ फैक्टर यानी कि इंटीग्रल फैक्टर। अब कर लो आप फॉर्मूले में पुट, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर और इंटू में क्यू इंटू में डी वाई। इंटीग्रल फैक्टर वन अपॉन वाई तो वन बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है बच्चों, क्यू 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 तो यहाँ पे थ्री वाई है, और आई एफ यहाँ पे वन अपॉन वाई इंटू में डी वाई। भाई ये तो कट गया यहाँ पे, और थ्री का इंटीग्रेशन सिंपली थ्री वाई और प्लस सी हो जाएगा, और एक्स अपॉन में वाई, वाई से क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। ये है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन इसका। चलिए बच्चों अभी तो फिलहाल 12 क्वेश्चन हो पाएंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके समथिंग कुछ जो बचे हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, वो इसके पार्ट टू वीडियो में लेके आऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लर्निंग प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रखो, सीखने का सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस खूब करो जितनी कर सकते हो। सो आज की क्लास यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट, एंड आफ्टर दैट द मिसलिनियस आई विल कवर वेरी सून। सो बाय।